पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी नए बच्चे का जब जन्म होता है तो उसकी रिपोर्टिंग CRS के पोर्टल पर कैसे 21 दिनों के अंदर की जाती है। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप CRS पर कैसे फ्री में ID पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, कैसे ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे जन्म प्रमाण के लिए आप 21 दिनों के अंदर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन्हीं का भी मृत्यु अगर होता है तो आप उसकी रिपोर्टिंग 21 दिनों के अंदर CRS के पोर्टल पर कैसे कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ID पासवर्ड कैसे जनरेट करना है वो समझ में नहीं आएगा, तो आपको पीछे वाला वीडियो जा करके देख लेना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन्हीं का भी मृत्यु होता है तो उसकी डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको CRS के पोर्टल पर 21 दिनों के अंदर रिपोर्टिंग कैसे करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करके आ जाना है डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आपको दिखेगा डेट, तो यहाँ पर आपको करना है एड डेथ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक। तो फर्स्ट में आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा डिजिट इन्फॉर्मेशन का, तो यानी कि मृतक का इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट में आपको डेट ऑफ डेथ क्या है यानी कि मृतक का डेट कब हुआ है वो वाला आपको डेट यहाँ पर एंटर करना है। देन उसका जेंडर आपको यहाँ पर दे लेना है, मेल है या फीमेल। उसके बाद उसकी उम्र क्या है, तो उम्र आप यहाँ पर घंटे में देख सकते हैं, डेज में दे सकते हैं, मंथ में दे सकते हैं और ईयर में दे सकते हैं। तो सबसे बढ़िया आपके लिए ऑप्शन है ईयर्स का, तो आप यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे और उसकी जितनी भी उम्र हुई है आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद मृतक का आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम दे लेना है जो आपको रिक्वायर्ड फील्ड है। उसके बाद आप मिडिल नेम नहीं भी दे सकते हैं, लास्ट नेम आप नहीं भी दे सकते हैं, यदि है तो आपको दे लेना चाहिए। इसी के साथ में आपको आधार नंबर यहाँ पर दे लेना है। आधार नंबर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्लेस ऑफ डेथ का, जिसमें आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा घर का, यानी कि इस पोर्टल पर आप तभी रिपोर्टिंग कर पाएंगे जब मृतक का मृत्यु घर पे हुआ है। तो यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ डेथ में ऑटोमेटिक घर सेलेक्ट करना ही होगा। देन आप बिल्डिंग नंबर हाउस नंबर दे सकते हैं, एड्रेस आपका सेम रहेगा जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किया है। देन आप नीचे की ओर स्क्रॉल करके आएंगे, उसके बाद आप देखेंगे यदि मृतक का शादी हो चुका है तो उसका हस्बैंड और वाइफ का आपको इन्फॉर्मेशन देना है। यदि शादी नहीं हुआ है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन देने के लिए फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम है तो डालेंगे, अदरवाइज खाली छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम आपको यहाँ पर डालना है, आधार नंबर ऑप्शनल है, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज खाली छोड़। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो मृतक का फादर इन्फॉर्मेशन देना होगा, तो फादर्स का फर्स्ट नेम आप यहाँ पर डालेंगे, मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डालेंगे, अदरवाइज खाली छोड़ सकते हैं। लास्ट टाइम आपको यहाँ पे डालना है, आधार नंबर ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जिनका जिनका आधार अवेलेबल है आप उनका आधार नंबर डाल लीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ इंटीरियर मोबाइल नंबर फॉर बेटर सर्विस, यानी कि अच्छी सर्विस का फायदा लेने के लिए आपको मोबाइल नंबर डालना चाहिए। इसी के साथ में मृतक का मदर इन्फॉर्मेशन देना है, मदर इन्फॉर्मेशन सेम फादर इन्फॉर्मेशन आपने जैसे फिल किया था मदर का भी आपको उसी तरह से फिल कर लेना है। देन आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एड्रेस ऑफ द डिजिस्ट एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी कि मृतक का मरने के समय उसका पता क्या था, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। यानी कि आपके घर पर ही डेथ हुआ है तो आपका एड्रेस आप सेम रहने देंगे, अदरवाइज किसी और जगह पे डेथ हुआ है तो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। देन आप डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट विलेज टाउन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा परमानेंट एड्रेस ऑफ द डिजिस्ट, यानी कि मृतक का अस्थायी पता क्या है। तो यदि ये वाला जो आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम पर एड्रेस है सेम है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, अदरवाइज कोई अस्थायी पता दूसरा है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। देन नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यानी कि जो इस फॉर्म को फिल कर रहा है जो इन्फॉर्मेशन देगा उसका पता क्या है, तो यूजर नेम यहाँ पर सेम रहेगा, इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है ताकि आपका एड्रेस यहाँ पर आ जाए। आप अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको इस डिक्लेरेशन के चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेना है, देन आप इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको दूसरा वाला पेज खुल करके आ जाएगा जिसमें आपको स्टेट सेल्स इन्फॉर्मेशन दे लेना है, यानी कि जो मृतक था वो रहता था शहर में या गांव में, तो आप उसका स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है। आप यहाँ पर देख लेंगे जहाँ वो रहता था वो गाँव है या शहर,
तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मृतक का इन्फॉर्मेशन देना है, जो फर्स्ट में आपको रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, उसकी रिलीजन क्या थी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, वो का क्या करता था वो आप यहाँ पर से सेलेक्ट। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन आएगा, तो यहाँ पर आप फर्स्ट में देखेंगे टाइप ऑफ मेडिकल अटेंशन रिसीव किया था, यानी कि कुछ मेडिकल दवाई हॉस्पिटल में दिखाया जा रहा था, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर उसको दिखाया जा रहा था तो मेडिकल अटेंशन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नहीं दिखाया जा रहा था तो नो मेडिकल अटेंशन वाले पर क्लिक कर देंगे। दूसरे में आपको ऑप्शन मिलेगा वाज द कॉज ऑफ डेथ मेडिकली सर्टिफाइड, यानी कि मेडिकल सर्टिफाइड हुआ था कि नहीं जो मृतक था। तो यदि मेडिकल सर्टिफाइड होता तो आपको उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता और आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल आप ले जाएंगे, वहीं पे डेथ करेगा, तो हॉस्पिटल से ही आपको डेथ सर्टिफिकेट बन करके मिल जाएगा। ये डेथ का इन्फॉर्मेशन आप घर से दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है कि नहीं, घर में कोई मेडिकल सर्टिफाइड नहीं होता है। घर में मरने का मतलब घर में मरता है, यहाँ पर कोई मेडिकल सर्टिफाइड नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा नेम ऑफ डिजीज, यानी कि किस बीमारी से डेथ किया है। तो यदि किसी बीमारी से डेथ किया, जहाँ पर आप देख सकते हैं टाइफाइड है, फूड पॉइजन है, हार्ट ब्रेक है, हार्ट अटैक है, बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप क्लिक कर सकते हैं, यानी कि आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है देने का। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है इन केस ऑफ फीमेल डेथ, तो फीमेल का डेथ वाला ऑप्शन यहाँ पर से हटा दिया है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। देन आप यहाँ पर देखेंगे स्मोकिंग करने का आदत था, यानी सिगरेट बीड़ी पीने का आदत था, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, अदरवाइज खाली छोड़ सकते हैं। था भी तो कितने साल से था वो आपको यहाँ पर डाल लेना है, 2 साल, 10 साल, 15 साल। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इफ यूज टू हैबिटली चेव तंबाकू, यानी कि गुटखा उटका खाता था, यदि खाता था तो कितने साल से खाता था, नहीं खाता था तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो पूछा जाएगा कि पान मसाला खाने वाला आदि था, तो यदि पान मसाला खाता था तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज खाली छोड़ सकते हैं। खाता भी था तो कितना साल से खाता था वो आप खाली छोड़ सकते हैं या डाल सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये सब कोई भी डिटेल फिल नहीं करना है, आप ये सब डिटेल फिल करेंगे तो आप ही को ज़्यादा अड़ंगा लग जाएगा। देन आप वापस आएंगे रिमार्क पर, खाली छोड़ सकते हैं, यदि कोई रिमार्क है तो दे सकते हैं। इसके बाद आप इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे बोला जाएगा अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म फील्ड इज ब्लैंक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लॉग आउट हो जाएंगे, जैसे आप बर्थ में लॉग आउट हो गए हैं आपको वापस से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप वापस से जाएंगे डेथ वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर आपको दिखेगा प्रिंट रिपोर्टिंग, तो आपको इस प्रिंट रिपोर्टिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी डेथ का रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे आपको प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे प्लीज फॉरवर्ड प्रिंट आउट ऑफ दिस रिपोर्टिंग फॉर्म ड्यूली साइन अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इस रिपोर्टिंग फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मृतक का आधार कार्ड, उनके माता पिता यदि है तो उनके आधार कार्ड, और आप यदि शहर में रहते हैं तो आपके वार्ड पार्षद से आपको एक फॉर्म पर लेटर हेड पर लिखवा लेना है कि यह बंदा या फिलहाल जो आदमी डेथ किया है ये यहीं पे डेथ किया है, वो इनके सबूत पर है। यदि आप गांव में रहते हैं तो आप अपने मुखिया से इसी तरह से आपको लिखवा लेना है। इतना कर लेने के बाद आपका जो रजिस्ट्रार ऑफिस है आपको एड्रेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ये हमारा एड्रेस है, आपके केस में आपका दूसरा एड्रेस रहेगा, वहाँ पर ले जाके आपको ये जमा कर देना है। तो वेरीफाई कराने के बाद आपका जो डेथ सर्टिफिकेट आपके आदमी का है वो बन जाएगा। आप डेथ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, यदि आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो आपके लिए डाउनलोड करके दे देंगे। तो इस मेथड से जिनका भी मृत्यु 21 दिन के अंदर होता है तो CRS के पोर्टल पर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।